पीजीज किचन में आज हम बनाएंगे दिल्ली के फेमस स्ट्रीट फूड राम लड्डू। ठंड में जब मूली ताजी और फ्रेश मिलती है तो राम लड्डू खाने की बात ही कुछ और होती है। इसे स्ट्रीट फूड तक ना रखते हुए चलिए हम इसे अपने किचन में बनाते हैं। पीजीज किचन में आपका स्वागत है और चलिए बनाते हैं राम लड्डू और साथ ही इसके साथ में खाए जाने वाली मूली के पत्ते की चटनी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में लेते हैं एक कप चना दाल, एक कप मूंग की दाल और ये आधी कप उड़द की दाल। इन तीनों दालों को मिक्स करके इसे 2 से 3 घंटे पानी में भीगने के लिए रख देते हैं। तीन घंटे के बाद देखिए ये दाल हमारी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसे 2 से 3 बार अच्छी तरीके से पानी में हम धो देते हैं। ग्राइंडर के जार में इस दाल को डाल के एक दरदरा पेस्ट हम तैयार करेंगे। इस दाल का बिना पानी डाले दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। इस दाल को एक बाउल में निकाल कर इसे 5 से 7 मिनट तक हाथ से या नहीं तो विस्कर से किसी भी चीज से अच्छी तरीके से हम फेटेंगे ताकि हमारी राम लड्डू सॉफ्ट और फ्लफी बने। दाल हमारी राम लड्डू बनने के लिए तैयार है या नहीं इसे हम चेक कर लेते हैं। बाउल में पानी डाल करके इसमें थोड़ा सा दाल हम डालेंगे। दाल अगर ऊपर की तरह आ जाए तो ये परफेक्ट बन चुकी है, तो इसे हम निकाल कर फिर इसी दाल में मिक्स कर देते हैं। अब इस दाल को कर लेते हैं साइड और बना लेते हैं चटनी। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले ग्राइंडर के जार में डालते हैं ये सॉफ्ट मुलायम और ताजी मूली के पत्ते, इसके साथ ही ये धनिया के पत्ते, 2 हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच चाट मसाला, स्वादानुसार काला नमक, 3 से 4 टेबल स्पून नींबू का रस। इन सब को पीस के हम चटनी तैयार कर लेते हैं। ये देखिए बन गई चटनी। इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी जार में डाल करके इसे भी हम चटनी में मिक्स कर देते हैं। अब हम बनाना शुरू करते हैं अपना राम लड्डू। इसके लिए इस फेटे हुए दाल में हम डालेंगे स्वादानुसार नमक और ये 1 चम्मच चटनी, जिससे राम लड्डू का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इन दोनों इंग्रेडिएंट को दाल में हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। गैस ऑन करके इसके ऊपर हम डालते हैं एक कढ़ाई और इसे तलने के लिए डालेंगे इसमें तेल। तेल जब हमारी गर्म हो जाए तो गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर लेते हैं। छोटा सा दाल का टुकड़ा डाल करके तेल को हम चेक कर लेते हैं ये अच्छी तरीके से गर्म हो गई है या नहीं। तेल हमारी गर्म हो चुकी है। अब इस दाल के पेस्ट को हाथ में थोड़ा सा पानी लगा करके दाल के इस पेस्ट को इस तरह से हाथों में लेकर के गोल आकार दे करके हम इस तेल में डालेंगे। अब इसी तरह से बारी बारी से हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर पर हम इसे चलाते हुए इसे सुनहरा होने तक हम पका लेते हैं। सारे राम लड्डू सुनहरे कलर के हो चुकी है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी बचे हुए दाल से भी हम राम लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। सारे राम लड्डू हमारे तल चुके हैं। ये राम लड्डू बन करके तैयार है। इसे आप मूली पत्ते के चटनी, घिसी हुई मूली और मूली के पत्ते के साथ सर्व करें, बहुत ही अच्छा लगता है। इस लड्डू को इसी के साथ खाया जाता है। यकीन मानिए इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है और स्वाद इसका बिल्कुल बाजार जैसा ही है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे
तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल पीजीएस किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।